वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए तीन अनोखे जानवर। नंबर वन, सार्लुस डॉगवॉल्फ। साल 1935 में नेदरलैंड के एक डॉग ब्रीडर सार्लुस ने जर्मन शेपर्ड और साइबेरियन ग्रे वॉल्फ के मिक्स ब्रीड से एक नए नस्ल को विकसित किया था, जिसे बाद में सार्लुस डॉगवॉल्फ नाम दिया गया। वैसे तो ये बिल्कुल एक कुत्ते की तरह दिखते हैं, लेकिन ये कुत्तों की तरह भौंकने के बजाय भेड़ियों की तरह आवाज निकालते हैं। नंबर टू, बेल्जियन ब्लू। इस सांड का ताकतवर शरीर और जबरदस्त मसल को देख के ऐसा लगता है मानो इसने जिम में एक्सरसाइज करके मसल बनाया हो। दरअसल 19वीं सदी में बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर की 50 शक्तिशाली गायों और भैंसों के नस्लों का इस्तेमाल करके इसे किया था। नंबर थ्री, लाइगर। जैसा कि जानवर के नाम से ही पता चलता है कि ये एक लायन और टाइगर के मिलन का परिणाम है। दरअसल लाइगर को मेल लायन और फीमेल टाइगर को जू में क्रॉस ब्रीडिंग करके पैदा किया जाता है, और ये लायन और टाइगर दोनों से ही काफी बड़े होते हैं।